इंडियन यूट्यूबर जो है ना उनका फुल एटीट्यूड वीडियो देखने वाले हैं। ऐसी वीडियो देख के दिल्ली मेरा तो खुश हो जाता है क्योंकि जो लोग भाई इतनी ज्यादा मेहनत कर कर एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से उपड़े हैं और स्टार बने हैं, इतनी ज्यादा हर बंदे की कोशिश होती है, एक एक सब्सक्राइबर हासिल करना इतना मुश्किल होता है, तो इतने स्ट्रगल करके वो यहाँ तक आते हैं तो उनका एटीट्यूड तो भाई बनता भी है और उनको सपोर्ट करना भी बनता है। तो देखेंगे आज इस वीडियो को, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं। हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर वन यूट्यूबर हैं। अच्छा अपना एक कंटेंट ही नहीं बनाया यार। एक होता ना कि आप किसी का कॉपी किया, उन्होंने खुद बनाया। बंदा वीडियो साल में एक बार डालते हैं, हेटर भी भूल जाते रहेंगे इसको। जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ? YouTube पे नाम मालूम है ठगेश, ठगेश अनफिल्टर्ड दो चैनल है। बिल्कुल ठगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है देखो, क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बना रहे हो। यार क्या बात है, ये भी बड़े बड़े यार, इनकी भी बड़ी स्ट्रगल है और कंटेंट बहुत अच्छा है इनका सबसे अलग। हाँ तारा भाई जी किधर इनका भी बड़ा बिल्कुल आज देखेंगे। काफी सारी मेहनत परिश्रम और बाप के गांव की जमीन बेचने के बाद वो भी उनको बिना बोले आई एम प्रेजेंटिंग टू यू द ठगेश शो। बिल्कुल बहुत ही हार्ड वर्किंग है इनकी भी, इतनी ज्यादा वीडियोस बनाई और लाइक होता है ना कि यार ये बोल रहे ना कि मैंने वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने बताया था कितनी इन्होंने मेहनत की। ट्रिगर इंसान है ठगेश, बड़े कुछ है जिनको हम जानते हैं लेकिन ज्यादा फेमस जो है ना उनको जानते हैं। कौन ऐसा इंसान है कि कहीं बाहर भसड़ होती है, अंगे गाड़े में फंसते हो, उसको फोन लगाओ वो फोन उठा के बोला भाई किसको मारना है और वो वीडियो कॉल शिकार के चुगड़ी बीच आ रहा है मारने आ रहा है, गाड़ियां उठा के आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। क्या बात है, क्या बात जो इज्जत देगा उसको इज्जत मिलेगी। हम हैसियत देखकर सर नहीं झुकाते, क्या बोलती पब्लिक, सही बोल रहे हैं ना। ये भी बिग बॉस में आए थे ना, वहीं से तो फेमस हुए थे। बहुत खराब, कैसे हैं आप लोग? हाँ। ये जो बोलते हैं ना कोई नहीं बोल पाता यार, मजा आ गया। तो कैसे इनकी आवाज जो है ना वो बहुत अच्छी दमदार लगती है। तो कैसे हैं, कंटेंट बनाने की रेसिपी क्या? अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है। क्या बात है, ओह क्या बात है यार, इनका चैनल बड़ा कमाल कह रहा हूं मैं। अगर मुनव्वर लॉकअप में नहीं होते तो कौन जीतता लॉकअप? मुनव्वर लॉकअप में नहीं होते तो कौन जीतता? ये तो वैसे वो कॉमेडी है ना सर, यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, बट ये लाइक ब्लॉग्स वगैरह बहुत कम है क्योंकि उसके बाद कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, यू आर इग्नोरिंग मी राइट नाउ, नॉट वर्किंग, यू आर इग्नोरिंग मी राइट नाउ। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो जब स्टार्टिंग में इतने भाव दिए थे? बिकॉज़ गेम्स आर बेटर। ओह गेम्स, गेम्स भाई बिल्कुल ही, योर प्रेजेंस माइंड इट यार। ओइला काफी बड़ा मॉल है रे, इज्जत है भाई, पूरा मॉल भर गए लोग। ओए क्या बात है, क्या बात है, एक्टर से ज्यादा तो यूट्यूबर के फैन होते हैं। पूरे मॉल में लोग इनको देखने के लिए खड़े हैं और इतनी भीड़। आप कभी ऐसा बाइक चलाते हैं? तो बाइक को जब रोकते हैं तो पहले बाइक का स्टैंड लगाते हैं या पहले खुद का स्टैंड? तो सर
गुस्सा आ गया एमसी स्टैन। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से और मेरे और मेरी फैमिली के लिए 18 लाख रुपए की सुपर बाइक ओन करना एक इम्पॉसिबल सपने जैसा था। ये भी बड़ा मशहूर है ना, बाइक पे ये भी कोई सफर करते रहते हैं। शुरू में इतने गरीब वाओ, मेहनत का फल तो मिलना ही है। जिस एज में है ना, इस एज में हमें सिर्फ पैसे कमाने की सोचनी चाहिए, बात खत्म। पैसे कमाने की सोचिए भाई। मिली है हमारी आर्यांशी जी से, बहुत बड़ी स्टार हैं, इंदौर को बोलते हैं क्लीनेस्ट सिटी। और तो बहुत ज्यादा अच्छा अभी ये आंखें मत घुमाना ताकि लोग और मैं कहती हूं गाइस गुड़गांव वालों को खराब बोल रही है गाइस, इसको उड़ा दो भाई। अच्छा बोल रही हूं, मैं बेकार इसको नहीं डर गई करो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारी पब्लिक करती है, डर भी देती है। ओए बड़े इनके भाई सपोर्टर ज्यादा हो गए। जो लोग पहले हमें से दिखा रहे थे कि कुछ नहीं होगा इसमें, आज वही अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं कि यार एक फोटो। ओ क्या बात है यार, एक फोटो गुस्बम्स आते हैं जब आप सुनते हैं। ये भी कोई यूट्यूबर है, गेमर जो गेम खेलती है ना लड़कियां। अच्छा गेमर्स वो वीडियोस वो गेम वाले वो भी बड़ी भाई फेमस है आजकल, गेम लोग बहुत देखते हैं। वो गेम खेलते हैं तो उसको पता ही नहीं है किस साइड पे जाना है। ये ऐसा लगता है जैसे वो ना सब्सक्राइब करने को बोला था, तो तीन लोगों के स्टाइल में चाहता हूं अगर हो सके, आशीष हर्ष एंड कैरी, अगर अपने स्टाइल में आप जनता को बोल सके लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। कहां देख के बोलना है? इधर जी हां। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही बोल दे यार, मजा आता है देख के। अरे अब इसके मीम बनेंगे क्योंकि आप वो लोग अपना अंदर से दबा देते हैं अपने आप, बताती हूं क्यों। Sacrifice a few years of comfort for decades of freedom. बहुत महंगा ब्रांड लग रहा है बच्चा, हीरोइन लोग पहनती है सब। अभी तू पहनेगी। वेलकम सर। बॉस इधर आ। तो वही हाँ जी सर, बताइए वो बैग दिखाना जरा सर, वो 25,000 का बैग। तो क्या दूसरे दे दीजिए। तो वही इंसल्ट कर रहे हैं। ए इधर आ। हाँ तू इधर आ। यस सर। इसमें से क्या पसंद है? ये मेरे लिए गांडू। क्या बात है, क्या बात है यार, मजा आ गया। अमेजिंग ये एटीट्यूड है, मेहनत से है। फिर मैंने वो वीडियो दोबारा देखा, मेरे को बहुत गुस्सा आया और फिर जो हुआ वो तुम्हें पता ही है। स्टाइलिश ओके बट हस्ती
अजय देवगन इनका नाम है। अजय देवगन अजय नागर बहुत ही यार अच्छे सारे यूट्यूबर्स आए थे जिनकी भी ये वीडियोस थी लाइक हम ना यार सभी स्ट्रगल थे सबने इतनी ज्यादा मेहनत की है ना यार कि अपनी मतलब लाइफ से शुरू से लेकर मतलब अभी जो वो जीरो से हीरो बने हैं ये सीधी सी बात है। 8-10 साल इतने इतने साल हर बंदे को लगे हैं यहाँ तक आने में अगर हम उनकी स्ट्रगल देखते हैं ना जाके पीछे तो इतनी ज्यादा मेहनत है वो मतलब इतना बंदा दिल हार जाता है कि यार उसको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन एकदम से बिल्कुल अब जिस वो मुकाम पे है ना अगर आप कहेंगे ना एकदम से क्या 1-2 साल में ऐसा नहीं है वो उनकी काफी ज्यादा मेहनत है उनका आप चैनल देखें जाकर बहुत ही साल हो गए उन्हें यूट्यूब बनाते हुए और अभी आकर उनका हाइप है लाइक उनका अभी टाइम चल रहा है लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और वो वीडियोज बना रहे हैं कैरी मिनाटी खासकर जैसे उनका एशिया के सबसे लाइक अच्छे और बड़े यूट्यूबर्स अभी तक माने जा रहे हैं कि उनके जितने फॉलोवर्स हैं और उनकी जितनी वीडियोज वायरल होती है ना वो किसी की एशिया में होती है एक मंथ में एक वीडियो डालते हैं और उसमें 5-6-10 मिलियन 12 मिलियन 15-20 मिलियन इतने व्यूज तो पक्के 50 मिलियन तक वो एक पीछे उन्होंने वीडियो डाली थी ना जिसमें सबको कॉपी कर रहे थे जिसमें वो फ्लाइंग बीस्ट भी थे सारी की कॉपी कर रहे थे उसमें 50 से ऊपर मिलियन व्यू आए थे लाइक उनका एक हाइप है लोग उन्हें पसंद करते हैं उनके कॉन्टेंट को पसंद करते हैं तो वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं और अमेजिंग है यार वो शीश चलानी ट्रिगर इंसान और भी काफी ज्यादा बहुत ही मेहनत है ज्यादा मेहनत की हुई है सबने और बीबी की वाइंस जो है ना उनकी भी बड़ी मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मतलब होता है ना जैसे अब ये शीश चंद चलानी है या दूसरे हैं सबकी एक टीम होती है जिन्होंने टीम रखी होती है यार कि इनके साथ मिलके वीडियोस बनाते हैं या फिर अगर हम बीबी की वाइंस का देखते हैं ना वो अपना कैमरा भी खुद पकड़ते हैं और अपने फ्रंट से सारी वीडियोज जो उन्होंने स्टार्टिंग की थी तो वो एक अलग कंटेंट आपको सबसे हटकर अभी तो वैसे वो सीरीज ज्यादा बनाने पर फोकस कर रहे हैं सीरीज वगैरह या कोई लाइक मुझे लगता है उन्हें एक्टिंग का बड़ा ज्यादा शौक है वो कहते हैं कोई मूवी मिल जाए या किसी में चांस मिल जाए ना आपको पता ऐसा ही होता है कोई हो जाए तो इस वजह से ये वाली सीरीज भी थी जिसमें वो सारा कुछ बैग वगैरह थे उठा लो यहाँ से तो एक्टिंग की वैसे स्किल्स उनमें है उनमें टैलेंट बहुत ही ज्यादा बट आपको वही ना चांस मिलना चाहिए अगर चांस मिले तो वो अपना टैलेंट शो करवाए और फिर पता लगे आपको पता है कि स्पोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं कैरी मिनाटी को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स है ना लोग उनको पसंद करते हैं फिर उनको मौका भी दिया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है लेकिन पाकिस्तान का यार ऐसा नहीं है यहाँ पे एक बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ना तो उसको किसी ड्रामा में या फिर मूवीज आपको पता है कि कम ही बनाते हैं हमारे यहाँ पे इतना मौका नहीं मिल पाता जितना कि इंडिया में ना वो बहुत ज्यादा मौका लोगों को देते हैं कि अगर फर्ज कर रहे कोई बंदा भी एलविश यादव भी आप देख लें वो बिग बॉस में गए बाहर आए उनको एक आते ही सॉन्ग ऑफर हो गया तो ऐसे और ज्यादा वो ना फेमस होते जाते हैं उनको फायदा भी बहुत ज्यादा जिनकी बिल्कुल हाइप चल रही होती है ये जो होते हैं ना मूवीज बनाने वाले सब फिर उनसे ही और अगर फर्ज करें अभी शाहरुख खान की मूवी आई अभी वो हिट चल गई है तो लोग अभी उनको बहुत ज्यादा मूवीज ऑफर करेंगे कि यार इतने जितने मर्जी पैसे ले लो हमारी मूवी ऐसे ना मतलब होता है कि जो ट्रेंडिंग में चीज जाती है लोग उसी को ऑफर चीज करते हैं लेकिन मजा आ गया इनका इंडियन यूट्यूबर का एटीट्यूड देख के आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो पसंद लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलता है।